वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेडलाइन। अब मेडलाइन का जो नाम है उसके अंदर ही क्या लिखा हुआ है, एम। और एम चाहे आप मेडलाइन पढ़े उसको या फिर एम एडलाइन पढ़े, उसमें कोई हर्ज नहीं। असल में हुआ यूं था कि पर्सेप्ट्रॉन को जो बनाया गया था, पर्सेप्ट्रॉन को बनाने के बाद उसके पीछे का मोटिव यह था कि हम और भी पर्सेप्ट्रॉन को जोड़ेंगे इसके साथ, और जोड़ने के बाद एक मल्टी लेयर पर्सेप्ट्रॉन का एक बड़ा सारा एक नेटवर्क बनाएंगे। वहीं जब एडालाइन को जोड़ा गया और उन्होंने देखा कि यार ये एक एडालाइन एक पर्सेप्ट्रॉन से अच्छा जा रहा है, तो क्यों ना एक मल्टीलेयर एक एडालाइन बनाया जाए। वो जो मल्टीलेयर एडालाइन बनाने की जो मुहिम थी, जो पहली सोच थी, वो थी मेडालाइन। और मेडालाइन जो था उसमें ये कहा जाता था कि भैया तुम मेडालाइन का जैसा स्ट्रक्चर रखोगे, जिस तरह का, वैसे ये दो वेरियंट में आता है, एक आता है बेसिक मेडालाइन जिसको आप प्यार से मेडलाइन वन भी कहते हो, मेडलाइन वन भी कहते हैं। मैं दोनों मेडलाइन पढ़ाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद आता है मेडलाइन मेडलाइन टू। अब मेडलाइन टू और एक और वर्जन आता है थ्री, मतलब उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो तो थ्री बन जाता है। कुल मिला के यहाँ पे जो ट्रेनिंग है ये काय पे डिपेंडेंट है कि जिस तरह का आपका स्ट्रक्चर होगा, जिस तरह का भी, जिस प्रकार का भी आप मेडलाइन का स्ट्रक्चर यूज कर रहे होंगे, ट्रेनिंग एल्गोरिथम वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। जो फॉर्मूला है, जो फंडा है, वो यहाँ पे यूज होने वाला है मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रिंसिपल का। किसका? मिनिमम डिस्टर्बेंस, ये वर्ड मेरे मुंह से पहले भी निकल चुका है, प्रिंसिपल मतलब जो आधार है वो आपका यही होगा, मिनिमम डिस्टरबेंस प्रिंसिपल। मतलब आप मशीन को कम से कम छेड़िए तो ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज आपने पूरी मशीन को वेट्स एडजस्ट करने खड़े हो गए तो आप कर ही नहीं पाओगे। भाई मल्टीलेयर पर्सेप्ट्रॉन में भी यही कमी थी। मल्टीलेयर पर्सेप्ट्रॉन में क्या था, इतने सारे न्यूरॉन्स थे, आप हर एक न्यूरॉन को, हर एक पर्सेप्ट्रॉन को आप वेट एडजस्ट करोगे तो आप बहुत पागल हो जाओगे, आपको ट्रेनिंग टाइम कितना लगेगा। और ट्रेनिंग टाइम और टॉलरेंस को हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है, तो इसी लिहाज से हमने मिनिमम डिस्टरबेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। और मिनिमम डिस्टरबेंस प्रिंसिपल को सबसे अच्छा जो इंकल्केट करता है वो करता है मेडलाइन। वो कैसे करता है वो एक एग्जांपल से मैं दिखाऊंगा आपको। मैं यहाँ पे एक मेडलाइन बनाने की कोशिश करता हूँ और वो मेडलाइन होगा मेरा बेसिक मेडलाइन या फिर मेडलाइन वन, जो भी आप मानना चाहें। यह मेरा इनपुट है एक्स वन, ये मेरा एक और इनपुट है एक्स टू। बहुत छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं। यहाँ पे एक एडालाइन लिया, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंटिंग एडालाइन। और हमेशा याद रखिए जो इस मेडालाइन के अंदर एडालाइंस होते हैं ना, वो एडालाइंस हमेशा हिडन लेयर के अंदर होते हैं। हमेशा आपको किस लेयर में पाए जाएंगे एडालाइन? हिडन लेयर में, कभी भी इनपुट लेयर पर नहीं पाए। इनपुट लेयर पर तो आपके वही नॉर्मल प्रोसेसिंग एलिमेंट न्यूरॉन्स ही होंगे, ठीक है। इसको तकरीबन हर तरह से कनेक्ट कर लेता हूं मैं, और यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एडालाइंस बने हुए हैं, ये दोनों एडालाइंस बने हुए। यहाँ पे एक बेसिक गेट ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या ले लिया, एक बेसिक गेट ले लिया। आप देखिए जरा, चाहता तो मैं यहां से यूं करके आउटपुट ले सकता था एडालाइन से, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बेसिक गेट लिया। ये एक बेसिक गेट क्या हो सकता है, ये और गेट हो सकता है, ये एंड गेट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बेसिक गेट जितने तरह के आपके बेसिक गेट्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और ये एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, ये लगाया क्यों गया? ये इसलिए लगाया गया क्योंकि ये एक्चुअल में बताता है कि अगर मान लीजिए आपसे कोई गड़बड़ी होती है तो कौन से वाले एडालाइन को आपको ऑपरेट करना है और छेड़ना है। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप और गेट को अगर ध्यान से देखें तो और गेट की फंक्शनिंग कैसी है, और गेट की फंक्शनिंग है कि 0 1 0 1, लीनियर सेपरेबिलिटी में चलता है और गेट, एक जीरो देता है बाकी सारे वन देते हैं, सिंपल है। अब मान लीजिए कि आपका डिजायर्ड आउटपुट जो था वो वन था, डिजायर्ड आउटपुट क्या था वन था। और डिजायर्ड आउटपुट अगर वन था और आपको जीरो चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, जीरो। और आप जानते हैं कि आपको नहीं, आपका डिजायर्ड आउटपुट वन था और आपका एक्चुअल आउटपुट जो आया वो जीरो आ गया, ठीक है। डिजायर्ड आउटपुट क्या था, वन था जो कि आपको चाहिए था, और एक्चुअल आउटपुट जो था वो जीरो आ गया। एक्चुअल आउटपुट कितना आ गया, जीरो आ गया।
अब एक्चुअल में है आप जीरो लाए बैठे हुए हो, ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, वन में कन्वर्ट करना है। तो जब और गेट होता है तो और गेट के अंदर कोई एक कंडीशन भी अगर वन हो जाती है तो आप देख सकते हैं और गेट के अंदर जीरो जीरो पे जीरो मिलता है, बाकी हर कंडीशन पे क्या होता है, वन। तो यहाँ पे एक एडरलाइन लगे हो या 100 एडरलाइन लगे हो, कोई से एक एडरलाइन को आप एडजस्ट कर दीजिए। मैंने बोला ना मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अगर अभी तो फिलहाल मैंने 2 एडरलाइन बनाए, अगर मान लीजिए कितने ही एडरलाइन होते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक एडरलाइन को कोई से एडरलाइन को मैं देखता और उसको मैं जीरो से वन बना देता, तो ऑटोमेटिकली ये और गेट क्या करता, डिजायर्ड वैल्यू को, ये डिजायर्ड वैल्यू को अचीव कर लेता और ये जीरो का क्या हो जाता, ये जीरो का वन हो जाता। बोलने में थोड़ा सा फंबल हो गया बट मैं आपको फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे आपको एक्चुअल आउटपुट जो था वो जीरो है, जीरो आया है, आपको चाहिए क्या था, वन। और चूंकि अगर आप और गेट यूज कर रहे हैं तो और गेट की खासियत ये होती है कि और गेट में जीरो जीरो का जीरो होता है, मतलब दोनों एलिमेंट जीरो होंगे या सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो ही जीरो मिलेगा। अगर गलती से भी अगर आपने 100 एलिमेंट लिए हैं x1 x2 x3 up to x100 तक और उसमें से कोई एक भी वन हो गया और कर रहे हो ना अगर आखिरी में, तो आपको आंसर वन ही मिलेगा। कुछ मत करिए, 100 लगे होंगे ना एडलाइन, उनमें से एक एडलाइन कोई सा भी जो आपकी मर्जी आए आप सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करके जो आपको पसंद आए उस एडलाइन का आउटपुट जो है वन निकाल देना, और जैसे आप वन निकाल दोगे वेट एडजस्ट करके ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट जो होगा चेंज हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रिंसिपल। ये मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रिंसिपल का नियम है कि पूरे एडलाइंस को छेड़ना नहीं। लेकिन परेशानी क्या है कि हम जो बोलते हैं कि जरूरत आन पड़ती है तभी वो चीज़ों की इन्वेंशन होता है, तो नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पे अब देखिए क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आई कि ये वाला सिनारियो तो ठीक था, लेकिन अगर इसका उल्टा सिनारियो होता कि मान लीजिए आपका डिजायर्ड आउटपुट जो होता वो जीरो होता और एक्चुअल आउटपुट जो होता वो वन होता, अब देखिए गेम चेंज हो गया तो रूल चेंज नहीं करेंगे, रूल विल रिमेन द सेम। ये और गेट तो हमेशा ऐसा रहेगा ना भाई, आप हो या कोई भी साहब हो, और गेट तो सबके लिए सेम है। तो अब देखिए, अब आपने यहाँ पे आउटपुट में लिख देता हूँ, आप इसको मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू जो मेरी आई वाई वन, ठीक है, और डिजायर्ड वैल्यू आपको क्या चाहिए जीरो, विच मीन्स कि आपकी एक्चुअल वैल्यू वन आ चुकी है और आपको चाहिए जीरो। और जीरो जब भी और गेट में लाना होता है ना तो कोई सा भी गलती से एक भी जो है वन नहीं होना चाहिए, सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो इसके लिए आपको जितने एडरलाइन लगाए हैं वो सारे के सारे एडरलाइन आपको चेंज करने पड़ेंगे और वो सारे के सारे रीडिंग्स क्या निकाल के देंगे, जीरो, तब जाके ये डिजायर्ड आउटपुट जो है आपका जीरो को अचीव कर पाओगे, अदरवाइज वो वन पे रहेगा। तो ठीक है, एक केस के अंदर मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रिंसिपल फॉलो हो रहा था, लेकिन एक केस में तो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस नहीं, मैक्सिमम अर्थक्वेक आ गया जिसके अंदर आपने पूरे एडरलाइन को हिला दिया, और पूरे एडरलाइन अगर 100 एडरलाइन है तो 100 के 100 जब तक वन नहीं होंगे, 100 के 100 आपको पूरे वन करने पड़ेंगे, मतलब तो सारे के सारे आपको वो करने पड़ेंगे जीरो, सॉरी, क्योंकि डिजायर्ड वैल्यू जीरो चाहिए ना। सारे जितने हैं उनमें से कोई 2, 5, 6, 10, 10 भी अगर हैं तो पूरों को चेक करना पड़ेगा और जा जाके सबको क्या करना पड़ेगा, जीरो 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 जीरो, ऐसे करते करते आप जब 100वें नंबर पे जीरो करोगे तब जाके ये बत्ती जलेगी जीरो की। तो इस कंडीशन में जहां पे हमें यहाँ पे मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रिंसिपल फॉलो हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा। एंड अगेन वही, अब मुझे लगता है कि इसकी जरूरत खत्म हो चली, तो मैं इस पे देखता हूँ कि इसमें मेडलाइन का जो अगले वर्जन है 2 और 3 और अगले जो है वो कैसे काम करते हैं। अब हम देखेंगे मेडलाइन 2 एंड मेडलाइन 3। वैसे आम तौर पे अगर डायग्राम की बात करी जाए तो डायग्राम तो दोनों का एक जैसे ही होता है, डायग्राम तो दोनों का तकरीबन एक जैसे ही होता है, लेकिन छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, वो छोटे मोटे चेंजेस मैं आपको बताऊंगा तो आप इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। खैर, जहाँ पे वहाँ पे लॉजिक गेट अभी हमने देखा कि फेल हुआ था, हम उस डायग्राम को फिर से बनाते हैं, और वो डायग्राम को बनाने में हमने x1 लिया था, x2 लिया था, बीच में यहाँ पे एक एडरलाइन यहाँ लिया था, एक एडरलाइन यहाँ लिया था, और उसके बाद इनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिए थे सारे के सारे, और यहाँ पे हमने एक लॉजिक गेट लिया था, लेकिन वो लॉजिक गेट जो हो गया था वो हो गया था फेल, हमने उसकी जगह पे एक एडरलाइन ही ले लिया। ये लास्ट में लॉजिक गेट की जगह एडरलाइन लगाने का मतलब ये है कि जितने भी आउटपुट में गड़बड़ी आती है
उसमें पहले तो इस हेडलाइन से ही काम निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एरर बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम लगेगी तो बैकवर्ड प्रोपोगेट करने में पहला नंबर सी का आएगा। अगेन वही हिडन लेयर में भी हेडलाइन होते हैं, इसमें हिडन लेयर में ही हेडलाइन होते हैं, और आउटपुट में भी हमने बना दिया तो ये आउटपुट लेयर भी हेडलाइन वाली होगी। और ये तो खैर बेसिक इंपोर्ट्स है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हेडलाइन लगाने का मकसद ये है कि ये हेडलाइन एक्चुअल में इन हेडलाइन की ट्रेनिंग से पहले ट्रेन हो जाएगा, मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम जो होगा वो इसको मानेंगे। देखिए बेसिक लॉजिक गेट जो थे उसके अंदर कोई इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं था, उसमें तो ये था कि भाई जीरो का वन, वन का जीरो, और ये बता देंगे कि भाई आपको अभी पूरे जीरो करने हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए हमने लास्ट एग्जांपल और गेट का लिया अभी, तो और गेट के अंदर अगर आपको जीरो करना है और वन आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक हेडलाइन के पास जा जाके उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हर एक हेडलाइन के जा जाके उसके वेट एडजस्ट करने पड़ेंगे। अगर वो जीरो है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जीरो नहीं है तो सबको उठा उठा के वन जीरो, वन वालों को जीरो बनाना पड़ेगा, वन वालों को जीरो बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा जीरो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि जितना भी जो भी दर्द है वो पहले ये वाला हेडलाइन झेलता है, और ये वाला हेडलाइन जब झेलता है उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर इन हेडलाइंस का वेट को एडजस्ट किया जाता है। ये इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात थी, ये भी मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लेकिन मैंने अभी एक चीज बताई है यहाँ पे कि मेडलाइन टू है ये क्या है कि बेसिकली मेडलाइन टू, अगर जिस तरह की मैंने अभी बात बोली तो ये क्या है, मेडलाइन टू। तो सवाल ये उठता है, मेडलाइन टू तो मेडलाइन टू और थ्री के बीच में फर्क क्या है? सबसे सवाल ये उठता है, मेडलाइन टू के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि जब भी आपको एडजस्ट करना होते थे हिडन लेयर के एडलाइंस को, तो बहुत सारे एडलाइन जितने भी हैं आपको सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे, वेट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेडलाइन थ्री के अंदर ये प्रावधान है, ये फैसिलिटी है कि आप जितने नंबर ऑफ एडलाइन सिलेक्ट करना चाहो हिडन लेयर के उतने सिलेक्ट करो, और सिर्फ उनकी ट्रेनिंग कराओ, बाकी सारे एडलाइंस को वैसा का वैसे ही रहने दो। और चूंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा मेन टारगेट क्या है, मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रिंसिपल को फॉलो करना, तो ये मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रिंसिपल को फॉलो भी करता था, इसीलिए मार्केट में मेडलाइन थ्री को ज्यादा इस्तेमाल किया गया बनिस्बत मेडलाइन टू के। दूसरा, हम जब भी एआई पढ़ते हैं तो हम हमेशा हर चीज सिग्मॉइडल फंक्शन में लेना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज सिग्मॉइडल फंक्शन एक वो फंक्शन है जो कि ह्यूमन ब्रेन को सबसे अच्छा डिपिक्ट कर पाता है। बाइपोलर होता है, दोनों तरफ जाने वाला होता है, माइनस भी और प्लस भी, मतलब माइनस में भी आपकी रेंज अच्छी लंबी है और प्लस में भी आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू बड़ी अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि मेडलाइन थ्री थोड़ा सा अच्छा इसलिए है क्योंकि मेडलाइन थ्री यकीनन तौर पे हमेशा सिग्मॉइडल फंक्शन को फॉलो करता है, लेकिन मेडलाइन टू कभी कभी, या कभी कभी करता है कभी कभी नहीं करता सिग्मॉइडल को। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही है हमेशा, कभी कभी सिग्मॉइडल को करता भी है और कभी कभी नहीं भी करता, लेकिन मेडलाइन थ्री हमेशा परफेक्शन के साथ सिग्मॉइडल फंक्शन को फॉलो करता है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे एआई की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी सिग्मॉइडल फंक्शन को हमेशा फॉलो करें। सिग्मॉइडल फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर ट्रेनिंग द न्यूरल नेटवर्क और ट्रेनिंग एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम। सिग्मॉइडल फंक्शन, गॉसियन फंक्शन भी है, यूनिट स्टेप भी है, लेकिन वो सारे बर्बाद हैं, वो सारे के सारे इसीलिए अच्छे नहीं है क्योंकि वो कोई भी ह्यूमन ब्रेन की एनालॉजी को नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन ये जो है सिग्मॉइडल ये पढ़ पाता है। खैर बहरहाल, हमें यहाँ पे जो मिला फायदा वो ये मिला कि हमने और गेट से पीछे छुड़ाया और एक हेडलाइन लगाया, और मैंने जैसे कि हेडलाइन की शुरुआत में बेसिक में बोला कि जैसे हेडलाइन का स्ट्रक्चर रखोगे उसकी ट्रेनिंग एल्गोरिथम वैसे ही। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं इसकी ट्रेनिंग एल्गोरिथम भी, लेकिन हाँ आप जो बात यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये कि बेसिक गेट्स जो होते हैं उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती किसी भी तरह से कि वो होल्ड कर पाए ये सब चीजों को, कि कौन से हेडलाइन को ट्रेन करना है कौन से नहीं करना। वो तो सिर्फ बोल देंगे कि भाई सब जीरो हो जाओ, अब जितने भी लोग हैं अगर जितने भी वन है सारे जीरो होने की कोशिश करो, चलो तब जाके और गेट चलेगा, या इसका उल्टा एंड गेट बनाओगे तो एंड गेट में उसमें एक प्रॉब्लम आई थी दूसरी छोड़ दी थी तो उसमें उसका वाइस वर्सा हो जाएगा। क्योंकि एंड गेट अगर आप पढ़ोगे तो एंड गेट के अंदर क्या होता है, वन वन का वन ही होता है, बाकी सारे के सारे जीरो होते हैं। अगर मैं एंड गेट भी बनाना चाहूँ यहाँ पे तो एंड गेट इस प्रकार से होता है कुछ, एंड गेट कुछ इस तरह से होता है, मैं एंड गेट भी बना देता हूँ। एंड गेट के अंदर वन वन का वन होगा तो ही होगा, बाकी अदरवाइज सारे जीरो होंगे। अब वही प्रॉब्लम है, अब आप इधर से आपको वन करना है तो सारे वन करने पड़ेंगे, सारों को चेक करना पड़ेगा, तो मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रिंसिपल जो है उसकी पास हो ही नहीं पाएगा उससे काम। तो ये जो चीज़ है ये आपको ध्यान रखनी है, और मेडलाइन थ्री ज़्यादा इस्तेमाल किया गया
बनिस्बत मेटल एंड टू के, और हम इसका देखते हैं ट्रेनिंग एल्गोरिथम कैसी है। तो जैसे हमने मेटल एंड वन, मेटल एंड टू, मेटल एंड थ्री देखा, अब हम देखेंगे मेटल एंड की जो ट्रेनिंग एल्गोरिथम है वो कैसे काम करती है। बिल्कुल मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन की तरह भी यहाँ पे काम होता है, कि जैसे मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन करता था, कि मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में आपके बहुत सारे न्यूरॉन्स होते थे, परसेप्ट्रॉन्स होते थे, और वो आगे जाके आउटपुट निकालते थे, आउटपुट निकालने के बाद फिर वो बैक प्रोपगेट होते थे। यहाँ पे भी कुछ इस तरह की एल्गोरिथम है। यहाँ पे एडेलाइन जो है वो हिडन लेयर में एक्ट करेंगे, और इनपुट्स के अंदर जो मतलब इनपुट और हिडन लेयर की जो बीच की जो बात है, जो इनपुट और हिडन लेयर की जो है वेट्स अलग हैं, और हिडन लेयर से जो आउटपुट लेयर है उसके वेट्स अलग हैं। यहाँ पे एक चीज की अच्छाई क्या है कि यहाँ पे जो लास्ट लेयर है, जो आपकी फाइनल लेयर है आउटपुट लेयर, उसके और बीच वाली हिडन लेयर के बीच के जो वेट्स हैं उसको हम फिक्स कर देते हैं, उसको हम फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम काम करते हैं। तो वेट्स बिटवीन इनपुट एंड एडेलाइन लेयर, जो मतलब इनपुट लेयर और एडेलाइन लेयर के बीच का जो वो होता है वो एडजस्टेबल है, लेकिन उसके आगे हिडन और आउटपुट लेयर के बीच का एडजस्टेबल नहीं है। हमने उसको क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, बायस वैल्यू 1 देके। अब यहाँ पे हम ट्रेनिंग के लिए डेल्टा रूल लगाएंगे, जैसे डेल्टा रूल परसेप्ट्रॉन में लगता था कि आपने अप्लाई करा, अप्लाई करने के बाद उसको डेल्टा रूल लगाया, और डेल्टा आपको क्या बताता था कि जो भी एरर आई है, जो भी कमी पेशी हुई, आप उसको सही कर ले, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव आप कर लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो मैंने ऐसा मान के चलूंगा, मैं आर्किटेक्चर इसका बना रहा हूँ फिलहाल, सबसे पहले तो आर्किटेक्चर बनाता हूँ मैं इसका, एक्स वन, एक्स आई और एक्स एन, मैं 1 2 3 नहीं ले रहा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बीच में हो सकता है कि और भी बहुत सारी नोड्स हों इन दोनों के बीच में, और ये भी मान के चल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में बहुत सारी नोड्स हो सकती हैं, और ऐसा मैं इसलिए मान के चल रहा हूँ बिकॉज मैं आगे के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि मुझे कितने नोड्स चाहिए या कितने हेडलाइन चाहिए, मैंने एक कंसिडरेशन कर दिया सीधा सीधा। उसके बाद यहाँ पे जो आपके अगली लेयर है, उस अगली लेयर के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा कि आप इनपुट्स लेंगे जब, तो ये तो खैर ये x1 x2 x3 इनपुट वहीं से आया होगा, x1 xi एंड xn। यहां पे अगली लेयर पे मैंने क्या किया, यहां पे अब ले लिया नया हेडलाइंस, और इसके अंदर जो लिखा, इसके अंदर लिखा मैंने इसको q1 q i के बाद ले लेते हैं अपन j ले लेते हैं, और उसके बाद यहां पे ले लेते हैं q, अब इसको n ले लिया तो इसको m ले लेते हैं। ये आपको क्या है, ये हिडन लेयर है, और ये हिडन लेयर ही एडेलाइन है, क्योंकि मैंने इसको क्यू से रिप्रेजेंट करा तो आप समझ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बायसिंग फैक्टर ले लिया मैंने बी, जिसको मैं अभी थोड़ी देर से डिस्कस करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट लेयर के अंदर मैंने क्या करा कि यहाँ पे फिक्स वैल्यू रखी है, यहाँ पे फिक्स वैल्यू रखी है, कौन सी, वी वन, वी वी जे एंड वी एम, मैं ऐसे लेके चलता हूँ, और इसको नाम मान के चलता हूँ वाई, और फाइनल बाइसिंग जो है वो यहाँ पे भी कर रखी है मैंने, जिसको मैंने नाम दिया बी नॉट, और ये भी फिक्स कर रखा है 1 लाइन से। और यहाँ पे अब जो समझने वाली बात है वो ये कि इनके कॉम्बिनेशन देखें आप जरा, आप जानते हो कि मैं मल्टीलेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कर रहा हूँ, तो फीड फॉरवर्ड का मतलब तो यही होता है कि सारे के सारे एजेस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अच्छा लगता है बनाने में, आप बनाएंगे पेपर में, बस गलती मत करिएगा। बाइसिंग जो है, बाइसिंग भी सबसे कनेक्टेड होगी, जितने भी एडलाइंस हैं उन सबसे बायसिंग कनेक्ट होगी। बायसिंग मतलब वही सिनेप्टिक एफिशिएंसी, जो कि रेगुलेटर है। तो ये देखिए बायस है, इसका नाम है बी वन, इसका नाम दे देते हैं बी टू, और इसका नाम दे देते हैं बी थ्री। बायसिंग भी याद रखिएगा। अच्छा, ये सारे के सारे एरो जो हैं वो सारे एक जगह से निकल रहे हैं और दूसरी जगह में जा रहे हैं, ये है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। तो प्लीज़ इसमें उससे बार बार ना सोचिएगा कि साहब क्या है ये, मैंने आपको पहले से ही बता दिया, आप देख लें, मैंने उसको आराम से उसको मार्क भी कर दिया है। खैर एनीवेज, अब मैं बात करता हूँ वेट्स की। ये वेट जो है ये किसके बीच का है, ये है वेट डब्लू वन वन, नाम देता हूँ उसको मैं। ये वाला जो वेट है इसका नाम देता हूँ मैं डब्लू आई जे नाम देता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं डब्लू, सॉरी आई जे नहीं, वन जे, डब्लू वन जे, और ये डब्लू वन एम, क्योंकि आई से निकल रहे थे, सॉरी वन से निकल रहे थे और वन में और जे में और एम में घुस रहे थे, तो इसलिए उसका नाम दे दिया मैंने डब्लू वन वन, डब्लू वन जे और डब्लू वन एम। उसके बाद अगले जो ये वाला वेट है उसका नाम देता हूँ डब्लू आई वन, फिर इसका लेते हैं डब्लू आई जे, फिर इसका लेता हूँ डब्लू आई एम। कुल मिला के आप नॉर्मल क्लेचर मेरा समझ ही गए होंगे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। इसका नाम देता हूँ डब्लू एन वन, डब्लू एन जे और डब्लू एन एम। मैंने सारे वेट्स के नाम दे दिए और ये आर्किटेक्चर आपको बना के दिखा दिया।
अब इस आर्किटेक्चर को बनाने के बाद इसकी ट्रेनिंग एल्गोरिथम चालू करता हूँ। ट्रेनिंग एल्गोरिथम चालू करूंगा तो काफी थोड़ी बड़ी है, लेकिन आप देखते चलिएगा आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले तो इनिशियली क्या करना है, आपको इनिशियली इनपुट्स को अप्लाई करना है और वेट्स को अप्लाई करना है, बायसिंग वैल्यू लेनी है, लर्निंग रेट लेना है, जैसे कि आप एडलाइन में लेते थे वैसा का वैसे ही काम। तीन चीजें, वेट, बायसिंग वैल्यू और लर्निंग रेट अल्फा या ईटा, जो भी आप बोलना चाहो, उसको इनिशियलाइज करेंगे आप ट्रेनिंग में। मतलब आप सीधे सीधे बात कर रहे हैं, इस मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप हर एक कैलकुलेशन पे, हर एक कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप जैसा कि एडलाइन में किया था कि वेट्स और बायसिंग को शुरुआत में क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, वो लर्निंग रेट को वन से सेट करते हैं। हमेशा हम लर्निंग रेट यूनिटी मतलब वन से ही इनिशियलाइज करते हैं, ये सबसे बेहतर मामला रहता है। लर्निंग रेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए जिसको आप धीरे धीरे ग्रेजुअली करो और एक सर्टेन लिमिट पर जाकर रोक सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लर्निंग रेट बहुत ज्यादा ले लिया। मैं आपको एक इससे एग्जाम्पल देता हूँ, लर्निंग रेट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, हमारे ह्यूमन ब्रेन का भी ऐसा ही होता है। कोई भी चीज जो कि 6 महीने के टाइम में सीख लेनी चाहिए आपको, अगर आपने उसके अंदर 6 साल लगा दिए तो वो भी खराब है, इसका मतलब लर्निंग रेट स्लो है। या फिर वो जो 6 महीने की चीज थी वो आपने 6 मिनट में सीख ली तो वो भी गलत है, क्योंकि 6 मिनट में आप नहीं सीख पाओगे उसको। 6 मिनट में सीख भी गए, आपने पढ़ भी लिया तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, कुछ भी काम का नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि लर्निंग रेट, जैसे कि हम एक एक वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक डाल रहे हैं, हमें मालूम है कि एक साथ 2 टॉपिक 3 टॉपिक हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इवन आप डाउनलोड भी नहीं करोगे उसको, देखोगे भी नहीं कि 1 घंटे का वीडियो कौन देखे उसको। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने भी ये सोच रखा है आपकी मेंटालिटी को, तो वैसे ही आपको AI सिस्टम के अंदर भी मेंटालिटी सोचनी है कि ह्यूमन ब्रेन की क्या होती है। ह्यूमन ब्रेन की मेंटालिटी ये होती है कि लर्निंग रेट को ज्यादा मत रखो, लर्निंग रेट को इनिशियली स्लो ही रखो और फिर धीरे धीरे करके बढ़ा देना जरूरत के हिसाब से। तो यही हम फॉर्मूला, यही हम फंडा यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन स्टेप नंबर 2 कहती है कि 3 से 8 तक स्टेप नंबर चलाइए जब तक आपको कोई रोके ना, और रोकेगा कौन आपको, आपको रोकेगा आपकी डिजायर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जब सेम हो जाएगी, जब तक नहीं हो रही तब तक चलते रहो। या फिर जब आपका टॉलरेंस जो है ना, आपकी बर्दाश्त करने का मादा आ जाए कि नहीं साहब हमने ट्रेनिंग इतनी कर ली, अब आंसर आ रहा है 8 की जगह 7.9999999, तो ठीक है हम एक्सेप्टेबल है, मान लेते हैं इसको 8 है अप्रॉक्सीमेट दो और जाने दो, तो भी आप इस एल्गोरिथम को रोकेंगे स्टॉपिंग वैल्यू के अंदर। स्टेप नंबर 3 कहती है कि 4 से लेकर 7 तक की स्टेप चलाइए जब तक की बाइपोलर ट्रेनिंग चल रही है और एक्टिवेट करिए इनपुट्स को। बिल्कुल सही, सबसे पहले एक्टिवेट करिए इनपुट्स को, और इनपुट्स को एक्टिवेट करने का फॉर्मूला होता है XI = SI, वेयर आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to कितना ले लें, एन ले लें, क्योंकि एन इनपुट है इसलिए एन ले लेते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत ही लड्डू सा फॉर्मूला, तो ये आराम से हो जाता है। खैर, उसके बाद आपको क्या करना है, नेट वैल्यू निकालनी है हिडन लेयर की और एडलाइन लेयर्स की, जो भी एडलाइन लेयर, हिडन लेयर जिसको आप बोलते हो, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ये हिडन लेयर है, ये क्या है, हिडन लेयर, और यही जो है लेयर है ये एडलाइन वाली है, क्योंकि इसको हमने अलग से क्यू मार्क कर रखा है। खैर, ये होगा कि एडलाइन 3 के अंदर आपने देखा होगा ये वाई जो होगा ये भी एडलाइन होता है, लेकिन अभी फिलहाल अभी इसको रोक के चल रहे हैं हम, अभी एक ट्रेनिंग समझा देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी दूसरी बार। सर आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे QINJ, कैलकुलेट करेंगे क्या, QINJ। अब ये QINJ जो है वो एक्चुअल में क्या है, वो ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो है, और ये वैल्यू एक एलिमेंट की नहीं है भाई, ये तो जो है jth वैल्यू तक के ना, और यहाँ पे जो J है वो 1 से लेकर M तक है। कहने का मतलब ये, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा, BJ, वेरी सॉरी यहाँ पे मुझे शायद BJ लेना चाहिए, B2 नहीं लेना चाहिए, BJ, और इसकी जगह पे भी 3 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कब बोल दिया कि 3 है, M ले रहा हूँ, मेरी मिस्टेक थी, मैं उसको सुधार लिया, आपकी मिस्टेक जो हो उसको सुधार लीजिएगा। चलिए BJ प्लस समेशन ऑफ I से N तक कितना, XI, जो हमारा फॉर्मूला क्लासिकल है ना, WI XI WI J, और कब तक चलाना ये, फॉर ऑल J वेरीज फ्रॉम 1 to, हाँ भाई J कहाँ तक गए, M तक गए, अगर आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे ये फॉर्मूला बेसिकली Q का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। और जैसे कि मैंने परसेप्ट्रॉन के अंदर भी एक एक नोट को पकड़ा था और एक एक नोट के अंदर उसको वैलिडेशन करा था, तो यहाँ पे भी यही कर रहा हूँ, एक एक नोट को पकड़ रहा हूँ, मैंने नहीं बताया कौन सी नोट को पकड़ा, लेकिन मैंने पकड़ा कोई सी नोट को, और लिखा है QINJ is BJ एंड सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to N
एक्स आई डब्ल्यू आई जे, वेयर जे स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एम, मतलब जे जो है उसका काउंटर भी 1 से एम तक चलेगा। ये जो समेशन है ये आई से एन तक होगा, मतलब आई से एन तक, मतलब आई के जितने भी टर्मिनल्स आए ना यहाँ पे वेट्स आए वो सारे के सारे जुड़ेंगे, मतलब किसी आप जेथ नोड के अगर आंसर की बात करें तो जितने भी उस पर आए हैं वो सारे के सारे जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बी जो है आपका बायसिंग है, ये आप जानते हो, और आप ये भी जानते हो कि जो एन है ये टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये जो एन है ये ऊपर जो है टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन आप एक कोई एग्जांपल लेना जिसमें दो दो तीन तीन न्यूरॉन लेना और दो दो तीन तीन अंडरलाइन भी लेना, उससे आप ये क्वेश्चन डाल के देखना सब समझ में आ जाएगा। खैर, अब स्टेप नंबर सिक्स क्या कहती है कि आपको एक्टिवेशन फंक्शन निकालना और फाइनल आउटपुट जो होगा एट अ लाइन पे जो फाइनल आउटपुट होगा वो क्या होगा उसको कुछ इस तरह से करना है, मतलब उसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है आपकी, आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू वो की वही है जो मैंने पिछले उसमें रख रखी थी कि भैया अगर तुम्हारा 1 आ जाए या -1 आ जाए तो क्या करना, अगर एफ एक्स जो है एक्स की वैल्यू जो है वो बड़ी हो या बराबर हो 0 से और एक्स की वैल्यू अगर ये तो 0, ये मैंने स्टार्ट कर रखा है, उस हिसाब से मेरा आउटपुट जो आएगा वो आएगा क्यू जे, यही है ना क्यू जे, इसका आउटपुट क्या आएगा, सॉरी इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा एफ ऑफ क्यू आई एन जे, क्योंकि ये क्यू ऑफ आई एन जे पता है क्या है, ये वही है जो नेट वैल्यू निकलती है ना, ये नेट वैल्यू तो निकल के फंक्शन से गुजरेगी तभी तो तुम्हारा आंसर निकलेगा, और आंसर क्या है क्यू जे। अब तुम कहोगे साहब जे के लिए, अरे भाई जे के लिए क्या, क्यू वन भी हो सकता है ये, क्यू टू भी हो सकता है, लेकिन होगा यही, बस आप यहाँ पे जे की जगह पे वैल्यू डालते रहना और आंसर लेते रहना। ये है कौन सा वाला आउटपुट, एडलाइन यूनिट से निकला हुआ आउटपुट, ये आपकी जो यूनिट है ना ये है एडलाइन यूनिट, ये यूनिट को हम क्या बोलते हैं एडलाइन यूनिट, और उसके किसी एक आर्बिट्री नोड को उठा के हमने आंसर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर ये होता है कि साहब वाई निकालना है आपको, तो आपका मेन काम क्या था वाई निकालने का, तो आप क्या करेंगे फंक्शन में आप इसको फंक्शन से गुजार दो, फंक्शन एट वाई इन इज वाई इन, ठीक है, और आप वाई इन अगर निकालना है आपको तो आपको जैसे क्यू जे का आंसर निकला वैसे क्यू वन का भी निकलेगा, इन सबका आंसर निकलेगा तब जाके वाई तैयार होगा, इसलिए पहले तो इनका आंसर निकालिए इस टाइप की इक्वेशन से, निकालते गए पूरे आंसर आ गए। अब y जब आप कर रहे हो तो उससे पहले y का भी तो नेट निकालोगे, तो y का नेट निकालने का फॉर्मूला होता है y i n j इज इक्वल टू b नॉट, क्योंकि इसका बायसिंग क्या था b नॉट प्लस सिग्मा j varies from 1 टू m, j एग्जैक्टली वेरीज फ्रॉम 1 टू m ना, 1 टू m एंड क्या आएगा q j v j, ये देखिए vj एंड qj, क्योंकि नंबर ऑफ एडलाइन कितने थे j थे और नंबर ऑफ उसके वर्टाइसेस जो होंगे वेट्स होंगे वो कितने होंगे वो भी j होंगे, तो यहाँ पे लाके आप क्या बन जाएंगे q ऑफ y n i n j निकालोगे, और जब ये निकाल लोगे तो उसके बाद फिर आप आंसर लिख दोगे इसका, ठीक है। खैर हम इतना आगे तक आ गए हैं तो और आगे देखते हैं। अब ये तो मैंने एक जनरल टर्म लिख दी और आपको समझा दी, लेकिन इसमें क्या होता है कि गड़बड़ी क्या होती है वो देखते हैं, ये हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं इतना सब कुछ मेहनत करेंगे तो क्यों करेंगे। स्टेप नंबर 7 देखते हैं। स्टेप नंबर 7 कहती है कि आप एरर को कैलकुलेट करिए और वेट्स को एडजस्ट करिए। बिल्कुल हम करेंगे, बेशक करेंगे। वेट्स को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले आता है केस नंबर 1। अब वेट्स को एडजस्ट करना और केस नंबर 1 जब आता है तो केस नंबर 1 कहता क्या है, केस नंबर 1 कहता है कि चीजें तुम्हारी सही नहीं हुई हैं, मतलब तुम्हारा y जो है इज नॉट इक्वल टू t, मतलब डिजायर्ड और एक्चुअल का मिलन अभी नहीं हुआ है, डिजायर्ड और एक्चुअल अलग अलग है। इसका मतलब अब दो बातें हो जाएंगी, या तो t जो होगा वो प्लस वन होगा, भाई दो ही ऑप्शन थे ना आपके पास, दो ही ऑप्शन थे ना, तो अब देखिए t जो होगा वो आपको क्या है प्लस वन है, ये एक केस हो गया, ठीक है। अगर ऐसा यदि कहीं पाया जाता है तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ बैक प्रोपोगेट करता हूं, तो आप गौर से देखिए y जो आपका आउटपुट आया, t जो आपका आउटपुट चाहिए था, t की वैल्यू जो थी वो 1 थी, इसका मतलब y क्या आया होगा, y कुछ और आया होगा, 1 के अलावा आया होगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इसके एरर कैलकुलेट करने के बाद जो आप वेट एडजस्ट करते हैं उसके अंदर वेट एडजस्ट करने के केसेस कि किस किस तरह से वेट एडजस्ट करते हैं। सबसे पहला केस आता है y इज नॉट इक्वल टू t, मतलब आपका एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट मैच नहीं करा, एंड t की वैल्यू जो आई वो 1 आई, मतलब t जो है वो 1 है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि डिजायर्ड वैल्यू जो है वो 1 है, तो इसका मतलब वो एक्चुअल वैल्यू से मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब इस 1 के अंदर कोई गड़बड़ी है।
अगर ऐसे कहीं गड़बड़ी आती है तो आपको वेट एडजस्ट करने का फॉर्मूला मिलेगा, WIJ new is equal to WIJ old plus alpha लर्निंग रेट आपका 1 minus QINJ multiplied by XI, ये वेट एडजस्ट करने का नए वेट्स का फॉर्मूला। और अगर यहीं पे बायसिंग वैल्यू को चेंज करना है तो ये आ जाएगा BNEW J is equal to BJ old plus alpha 1 minus Q INJ, ये आपकी बायसिंग को अपडेट कर देगा। इन दो फॉर्मूले से अपडेट आप कर दीजिए। अब देखिए यहां पे जो बातें हैं वो क्या है, इस केस के अंदर वेट जो होंगे वो अपडेट होंगे क्यू आई जे क्यू जे के, और यहाँ पे नेट वैल्यू भी इनपुट की जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, बिकॉज टी की वैल्यू वन है। आपने देखा होगा जो हमने फंक्शन लिखा था, हमने बोला था कि टी की वैल्यू अगर वन आती है, मतलब आपका टी की वैल्यू आप वन अगर एक्सपेक्ट करते हो तो आपका इनपुट कैसा आना चाहिए, नेट इनपुट जीरो के करीब आना चाहिए। अब बारी आती है केस नंबर टू की, और केस नंबर टू के अंदर छोटा सा चेंज करेंगे हम। यहाँ पे वाई इज नॉट इक्वल टू, अगेन नॉट इक्वल टू टी, एंड टी इज माइनस वन। अगर माइनस वन हो जाता है टी तो क्या होना है। अब जब ये वाई और टी सेम नहीं है और टी की वैल्यू माइनस वन आएगी तो हम वेट्स को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखता हूं मैं। डब्ल्यू आई के न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आई के ओल्ड, क्योंकि ओल्ड वेट्स को एडजस्ट करना है, प्लस अल्फा इज द लर्निंग रेट, वैल्यू यहां माइनस वन लगी जाएगी, माइनस क्यू आई एन के, और यहां पे एक्स आई। आप देख सकते हैं कि यहां पे मैं माइनस लेके आ रहा हूं क्योंकि माइनस वन वैल्यू मुझे चाहिए। आप देखें जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, ये टी की वैल्यू मैं वैसे ही रखता हूँ जैसी कि मुझे रिक्वायरमेंट होती है। मुझे वन चाहिए तो वन रखूंगा, माइनस वन चाहिए माइनस वन रखूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे इसी फॉर्मूले के आधार पे मैं बी के न्यू निकालूंगा, और बी के न्यू मेरा होगा बी के ओल्ड प्लस अल्फा, ये पूरा का पूरा कॉन्टेंट, माइनस वन माइनस क्यू आई एन के, और साथ में ये आपका ब्रैकेट लगा देता हूं मैं ताकि ये अलग से दिखे। खैर ये आपका फॉर्मूला होगा काय के लिए, ये दो केस दिख रहे हैं आपको, केस नंबर वन एंड केस नंबर टू। आप सब जान रहे होंगे कि मैंने केस नंबर थ्री तो यहां लिखा ही नहीं है, और केस नंबर थ्री जो होता है वो तो बहुत ही अच्छा होता है। केस नंबर थ्री क्या होता है, केस नंबर थ्री होता है जब वाई की वैल्यू टी से मैच करा जाए, और जब ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप बाहर आ जाएंगे और आपका आंसर कोई चेंज नहीं होगा वेट्स के अंदर और काम खत्म है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ये तीनों स्टेप जो है वो धीरे धीरे करके आपको कहाँ ले जाएंगे, स्टेप नंबर एट पर ले जाएंगे। और स्टेप नंबर एट कहता है कि करते रहो काम जब तक कि आसान से आपको आंसर ना मिले, वाई की वैल्यू टी ना हो जाए, या फिर आप थक हार के टूट ना जाए, और ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो इतना टॉलरेंस में ना जाए कि मतलब ट्रेनिंग आपने इतनी कर दी कि आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया। तो इसलिए आपको ये मेडलाइन जो प्रोसेस है, ये मेडलाइन की ट्रेनिंग एल्गोरिथम है, जिसको मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आपने सबसे पहले इनपुट्स को दिया, वेट सप्लाई करा, एडलाइन ट्रेन हुए, इनमें से जो एडलाइन ट्रेन हुए वो सारे के सारे वी नाम का जो हमने यहाँ पे वेट्स दिया, इसको कांस्टेंट रखा, इसको कांस्टेंट रखा, और इससे आउटपुट निकाल लिया। अब यहाँ पे जब हम फार्मूला देखेंगे तो हमने इनमें से जो भी आप एडलाइन की बात करें उस एडलाइन का एक जनरल फार्मूला लिख लिया, जिसके अंदर हमने इस एडलाइन की नेट वैल्यू को, जो इसके अंदर आने वाली नेट वैल्यू, उसको निकाला, फिर उसके बाद उसको फंक्शन से गुजारा, तो फंक्शन से गुजारने के बाद मुझे क्यू जे मिला, क्यू जे, ये जो क्यू जे था ये क्यू जे मिला, तो कहीं क्यू एम भी मिला होगा, कहीं क्यू वन भी मिला होगा, ये सारे के सारे गए कहाँ पे, वाई पे, और वाई पे जाने के बाद वाई की नेट वैल्यू निकाली वाई आई एन जे करके, या वाई आई एन के करके, या वाई आई एन एम करके वैल्यू निकाली, वो सारी नेट वैल्यू निकलती गई यहाँ पे, नेट वैल्यू, ये सब आगे जाके जो भी वैल्यू लाइन, इन सारी वैल्यूज को, ये सारे आउटपुट्स की जो वैल्यू थी, इधर आके नेट निकाला, नेट निकालने के बाद वाई का आंसर निकाला। अब यहाँ पे बायसिंग कांस्टेंट रखी गई है, और आप जो वेट एडजस्ट करोगे वो वेट एडजस्टमेंट जो है आपके पास वो ये वाला है, ये वाला जो वेट दिख रहा है ना, ये वाला जो वेट है, आप इस वेट को एडजस्ट करेंगे, जो वेट है इनपुट और हिडन लेयर के बीच का। यही आपसे शुरू से लेकर एंड तक मैं बोलता आ रहा हूं कि मेडलाइन के अंदर हम एक ही तरह का वेट एडजस्ट करते हैं, दूसरे तरह का नहीं करते। और यहाँ पे उसके बाद अगर मान लीजिए मैचिंग नहीं होती तो तीन केसेस हैं, जिसमें से चौथा, तीसरा केस तो हटाई दो अलग, वो तो बिल्कुल ही डिजायर्ड आउटपुट को टारगेट आउटपुट से मैच करा लेता है।
लेकिन जो केस नंबर वन और केस नंबर टू है वो समझ नहीं लाया कि यहाँ पे वेट एडजस्ट और बाइसिंग एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये था मेरे एंड से मेडलाइन और मेडलाइन की ट्रेनिंग एल्गोरिथम, उसका आर्किटेक्चर और उसके बारे में सारी जानकारी। थैंक यू सो मच।